हेलो वेलकम हर हर महादेव। कल की अवतार के बारे में जानने की इच्छा हम सभी में है। सपनों में कई बार कुछ ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं जिनमें हमारे भविष्य का संकेत मिलता है। आप इन्हें विजन बोलिए, पूर्वाभास बोलिए या भविष्य का पूर्वानुमान बोलिए, जो भी हो ब्रह्मांडीय चेतना मानवों को कुछ संकेत तो दे रही है। पिछली बार मैंने अपने कुछ विजन बताए थे, आज कुछ और दृश्यों को बताऊंगा। देखिए, ये जो दृश्य हैं किसी एक खास घटना या खास समय के बारे में नहीं बताते, ये बस दृश्य हैं जो अलग अलग समय के हो सकते हैं। बड़ा अच्छा तूने फंसाया बूढ़े शिकारी, दाने की आड़ में जाल फेंक कर, सौंप दी किस्मत सबने अपनी अपनी, पहना तुम्हें भेड़ की खाल देख कर। फंसी चिड़िया पर अब भेद खुला, जब संकट की घटा छाई घनघोर, बेचारी मछली का भी दोष नहीं, सदा चली आती है कांटे की ओर। कुएं के भीतर से गूंज रहा बगावत का शोर, दिल्ली को घेरने आ पहुंचा रेगिस्तान का मोर। अपनों ने पीठ में खंजर मारी बहुत जोर, दैत्य घुस आए फिर घर में दरवाजा तोड़। नरपिसाच की कब्र से जो सैतानी रूहें आजाद हुई, बैठ गई जाकर वहाँ जो खोपड़ियाँ आधी खाली थीं। जंग तक बढ़ गए तो कई नस्लें बर्बाद हुईं, अंत में लाशों के ऊपर अकेली नाचती माँ काली थी। धरती के अंदर का नज़ारा दिख रहा मेरी आँखों से, नीली बिजली निकल रही ज्वालामुखी के दरारों से। मैं खड़ा चट्टान पर, बिजली आकर समा गई मेरे पांवों में, नजरें ढूंढती हैं उसे, मौत बनकर घूम रही जो गांवों में। समंदर का दैत्य विकराल कहर बनकर टूटा था, सफेद और लाल कपड़ों में दोस्ती बड़ा अजूबा था। रोटी बरस रहे आसमानों से सपनों में, नींद में भी बेचारा गरीब आदमी भूखा था। सपनों की भावनाएं अति प्रबल होती हैं, नींद से जागने के बाद भी वो एहसास पूरे दिन भर रहता है, किंतु कुछ सपने ऐसे विलक्षण होते हैं जिनके निशान हमारी स्मृति से कभी नहीं मिटती। ये सब ऐसे ही सपने हैं, ये भविष्य की सूचनाएं देती प्रतीत होती हैं। पिछले वीडियो में हमने भविष्य का कुछ अनुमान लगाया था, जो कि आप देख सकते हैं वैसा ही माहौल बन रहा है। अंत में वैश्विक स्तर पर परिस्थितियाँ वैसी ही बनेंगी जैसा कि हमने उस वीडियो में बात की थी। तो अब आगे कुछ और घटनाएं या विजन सुनिए। ये सब घटनाएं एक खास समय की हैं, 2034 से 36 के आसपास ये सब होने की संभावना है। संसार में परिवर्तन और कल्कि अवतार का आगमन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन्हीं सब के बीच संकेत है कल्कि अवतार का। चांद की देवी तलवार लिए खड़ी है बादलों के पार, नाव में उसके और दो भाई, जाने किसका है इंतजार। लोहे की वस्तुएं गायब हो रही शून्य में लगातार, दो ग्रहणों के बीच संजीवनी चमकी, दिन था शनिवार। उड़ते पक्षियों ने उगली ऐसी तेज आग, पेड़ पौधा खेत बगीचा कर दिया राख। बर्फ से ढकी अनजान धरती उठी है जाग, दुनिया दंग होकर देखती रह गई अवाक। जिंदा लोग चुप हैं डर से, मुर्दों की चीखें निकल रहीं, ज्वलंत किरणों के हमलों से चमड़ी पिघल रही। एक सैनिक ठिकाना बच गया है लड़ते हुए, बाकी अग्नि के तांडव से पूरी धरती झुलस रही। बच्चों की मृत्यु से कोई क्रुद्ध हुआ, खून की नदी में नहाकर शुद्ध हुआ। पृथ्वी का अंधेरा नकली उजाले के विरुद्ध हुआ, इंसान का दिमाग भूत की चेतना से प्रबुद्ध हुआ। आप शिकायत कर सकते हैं कि मैं सीधे सीधे अपने विजन नहीं बता रहा जैसे कि दूसरे लोग करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि भविष्य जानना है तो यह काम ग्रहों सितारों की वर्तमान स्थिति और उनकी चाल की गणना करके ज्योतिष के विद्वानों द्वारा किया जा रहा है। आप उनके सहारे भविष्य की बेहतर जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो काम पहले से ही हो रहा है वो मेरे द्वारा करने का कोई मतलब नहीं है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ और मेरा मानना है कि भविष्य पता ना चले तो ही अच्छा है। आने वाले समय के बारे में संदेह बना रहना चाहिए, तभी तो दिलचस्पी बनी रहेगी। कहानी का अंत जान लेने के बाद फिर कहानी पढ़ने का कोई मजा नहीं है, तो भविष्य के बारे में हमारी उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। हम प्रयास करें भविष्य का रहस्य खोलने की और प्रकृति कोशिश करे उसे छुपाने की। यह सिलसिला तब तक चलता रहे जब तक कि वो समय ना आ जाए। तब तक हमें कल्कि अवतार का नाम चारों ओर फैलाना है। इसी उद्देश्य से भविष्य के कुछ दृश्य आज बता रहा हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि देखो मेरे अंदर भविष्य जानने की शक्ति है, ये शक्ति सबके अंदर है। तो आज के लिए एक और अंतिम हो जाए। जहरीली पीली कनेर फूलों की सुगंध समीर, स्थान है प्राचीन विराट एक द्रविड़ मंदिर। हाथों में वो दिव्य धनुष मंत्र जिसके तीर, परशुराम से सीखता युद्ध कला कलयुग का वीर।
द्रुत गति से दौड़ दौड़ किया अभ्यास गुरु के संग, अवरोध न बनते मंदिर के असंख्य स्तंभ, हुआ अचानक अदृश्य असुरों का हुड़दंग, जाने कैसे तभी भूल गया योद्धा युद्ध का रंग। तो आज यही समाप्त करते हैं, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। हम कम बोलने वाले लोगों में आते हैं, इसलिए भविष्य के बारे में या किसी भी बारे में बताते हैं तो सटीक बात रखने का प्रयास रहता है। आप जांच कर सकते हैं, सत्य ही पाएंगे। अगले वीडियो में हम रुद्र चक्र के बारे में बात करेंगे। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हर हर महादेव।